प्रथम तहलका न्यूज और जीन से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हाँ, जीन से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहाँ सोनीपत पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जीन में पुलिस ने एक बदमाश का किया इनकाउंटर, सोनीपत में पुलिस के दो जवानों की हत्या का मामला। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, बदमाशों ने किया पुलिस कर्मियों पर चाकू और पत्थरों से वार। आपको बता दें कि इस दौरान साइबर सेल इंचार्ज प्रशांत और CIA इंचार्ज अनिल पर चाकुओं से हमला किया गया और इनके साथ ही SI मनदीप, HC राजेश कुमार पर भी चाकुओं से हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जहां सोनीपत पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है जिसमें पुलिस ने एक बदमाश का इनकाउंटर कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, एक बदमाश के घर पर पुलिस रेड कर उसे पकड़ने गई थी जिस दौरान पुलिस को आत्मरक्षा के लिए इनकाउंटर करना पड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जींद के SP और DIG ने CIA के घायल पुलिस कर्मियों का जाना हाल। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो जींद से आ रही है जहां सोनीपत पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है जिसमें जींद में पुलिस ने एक बदमाश का इनकाउंटर कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें और इस दौरान 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, दरअसल बदमाशों ने पुलिस कर्मियों पर चाकुओं और पत्थरों से वार किया। आपको बता दें कि एक बदमाश के घर पर पुलिस रेड कर उसे पकड़ने गई थी लेकिन इस दौरान दोनों के बीच मुठभेड़ हो गई जिसमें एक बदमाश का इनकाउंटर हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, फिलहाल आपको बता दें कि जींद के अस्पताल पहुंचे हैं सोनीपत के SEP जशनदीप रंधावा और जींद के SEP और DGP ने CIA के घायल पुलिस कर्मियों का जाना हाल। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जहां सोनीपत पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है जिसमें पुलिस ने एक बदमाश का इनकाउंटर किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जैसे कि आपको पता है आज जो इंसिडेंट सोनीपत में हुआ है जिसमें एक मुलाजम और एक SPO की डेथ हुई थी और उन्होंने बड़े बहादुरी से उनको वो शहीद हुए थे, तो उस सिलसिले में सोनीपत पुलिस की टीम आज जब जींद आई एक्यूज्ड को रेड करने के लिए, तो एक जब ठिकाना रेड किया गया तो वहाँ पे जो पुलिस पार्टी थी जिसमें 2 इंस्पेक्टर्स थे और पुलिस ऑफिशियल्स भी थे, उन पे एक एक्यूज्ड द्वारा अटैक किया गया। मिली कि जिस एक्यूज्ड ने अटैक किया है उसको रिटेलिएशन में इंजुरीज भी उसको मिली है, आगे उनको भी अस्पताल लेके आया गया है। तो इस कार्रवाई से एक जो एक्यूज्ड जो सो कॉल्ड आइडेंटिफाई हुआ था उसने जो इंजुरीज की हैं तो पुलिस वालों पे काफ़ी क्रिटिकली इंजर्ड है और जो 2 इंस्पेक्टर्स हैं उनको वाइटल ऑर्गन्स पे इंजुरी है और उनको अभी डॉक्टरों की टीम बता रही है कि उनको हायर सेंटर PGI रोहतक भी रेफर किया जाए। आप जानते हैं कि आज सुबह बुटाना चौकी के क्षेत्र के अंदर एक हमारे 2 मुलाजिम कांस्टेबल रविंदर और SPO कप्तान किसी एंटी सोशल एलिमेंट्स और सामाजिक तत्व द्वारा उनकी हत्या की गई थी। उसी की तफ्तीश के दौरान कुछ सूचना प्राप्त हुई थी जिसके ऊपर हमारी CIA की टीम ने यहाँ पे रेड की। उसी रेड के दौरान उनके ऊपर जो अटैक किया गया और उनकी जो रिटेलिएटरी जो कार्रवाई उन्होंने की उसमें एक एक्यूज्ड के गनशॉट इंजरी हुई और जिसको यहाँ पे हॉस्पिटल में लेकर आया गया जहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई। एक उसके अलावा हमने एक और एक्यूज्ड राउंड अप किया और जो डिटेल्स अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है मैं अभी शेयर नहीं करूँगा, बाकी हमने एक और राउंड अप कर रखा है।